सामने मैं हूँ राहत अली। तो आज का हमारा लेक्चर जो है वो है सैम्पलिंग के बारे में, ठीक है, कि सैम्पलिंग होती क्या है, कितनी टाइप्स की सैम्पलिंग होती है और हम सैम्पलिंग क्यों करते हैं। तो सबसे हम पहले बात करेंगे कि सैम्पलिंग होती क्या है। बेसिकली अगर आप, क्योंकि आपने नेक्स्ट सेमेस्टर में रिसर्च करनी होगी या कभी भी आपको रिसर्च करनी पड़ जाए, तो आपने सबसे पहले अपनी सैम्पलिंग का तरीका देखना होता है कि कौन सा वैलिड है आपके लिए। सैम्पलिंग क्या होती है कि आपने किस खास तरीके से पॉपुलेशन में से वो सैम्पल लेने हैं, ठीक है। आप सारी पॉपुलेशन को तो नहीं ले सकते, चाहे आपका कोई भी टॉपिक हो, तो आपने वो जो आपका वो तरीका होगा, खास तरीका एकार, उसको हम क्या बोलते हैं, सैम्पलिंग बोलते हैं। फिर हमारे पास आते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, जो बेसिकली टू टाइप्स होती हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है उसका ये मतलब है कि उसमें कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, ठीक है, वो हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, उसमें ये नहीं है कि आपने लाजमी चुनना है। तो उसमें हमारे पास आ जाते हैं तीन टाइप्स हैं, कन्वीनियंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग। तो जैसे कि नाम बता रहा है कि हम अपनी ईज ऑफ एक्सेस के लिए, अगर हमें ये बोला जाए कि आप ऐसा डेटा लेके आएँ कि किसी भी आप लेके आएँ कि किस एज में लोगों को डायबिटीज़ हो रही है, ठीक है, तो इससे अच्छा है कि मैं डिफरेंट हॉस्पिटल में घूमूँ, डिफरेंट सिटीज़ में घूमूँ, मैं अपने किसी साथ वाले हॉस्पिटल या अपने एरिया में वो सैम्पलिंग कर सकता हूँ, तो मुझे दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, तो ये कन्वीनियंस सैम्पलिंग हो गई। फिर आते हैं कोटा सैम्पलिंग, ठीक है। कोटा सैम्पलिंग ये होती है कि उसमें आप कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब मैंने वहीं डायबिटिक लेने हैं, लेट्स सपोज मैंने डायबिटिक पेशेंट लेने, तो उसमें सबसे पहले मैं कैटेगरीज बना दूंगा। लेट्स सपोज मेरा सैम्पल साइज़ 500 है, तो मैं बोलता हूँ कि मैं 300 मेल ले लेता हूँ, 200 फीमेल ले लेता हूँ, ठीक है, या 300 मेल ले 250 मेल ले लेता हूँ, 250 फीमेल ले लेता हूँ, या 200 मेल और 200 फीमेल, और जो हमारे पास 100 पेशेंट है वो हम चिल्ड्रन ले लेते हैं कि क्या उनमें भी डायबिटिक है। तो जब हम ये कैटेगरीज बना लेंगे, उसके बाद हम दोबारा उसी अपनी कन्वीनियंट सैम्पलिंग पे आ जाएंगे, हमें किसी और सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, हम वहीं रह के वो सैम्पलिंग कर लेंगे। फिर आते हैं स्नोबॉल सैम्पलिंग। देखिए नाम इसका बड़ा टफ है, लेकिन ये है कि इसमें आप जो आपका डिज़ायर सैम्पल करेक्टरिस्टिक्स होता है वो इसमें आप देखते हैं। अब लेट्स सपोज मुझे ये मिशन दिया जाए या मुझे ये मेरी रिसर्च है कि इस्लामाबाद में कितने लोग हैं जो ड्रग यूज़र्स हैं, ठीक है, या एड्स के पेशेंट हैं। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो लोग बताने से शर्माते हैं। तो मेरा ये तरीकाकार होगा कि मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले किसी एक ड्रग यूज़र को ढूँढूँगा, ठीक है, फिर वो मुझे आगे बताएगा कि कौन कौन करता है, यानी एक से फिर आहिस्ता आहिस्ता ये आपकी स्नोबॉल बनती जाएगी, ठीक है। तो इस तरह आप ये सैम्पलिंग भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी जो हमने पढ़ी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है, कि उसमें आपको क्या होगा कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है कि जिसमें आपने रैंडम सैम्पलिंग करनी है। पीछे हम क्या कर रहे थे, नॉन रैंडम सैम्पलिंग कर रहे थे कि हम अपनी मर्ज़ी से उठा रहे थे। रैंडम ये नहीं होता, रैंडम में ये होता है कि एवरीबडी हैज़ इक्वल चांस टू बी सिलेक्टेड। जैसे लॉटरी है, आपने कोई और स्कीमें आ रही होती हैं कमेटी वाली के, जिसमें एक दफ़ा सारे कमेटी दें उसके बाद लकी ड्रा होगा, जिसका नाम आ जाएगा वो हो जाएगा। तो ये हमारे पास रैंडम सैम्पलिंग होती है। इसके फिर हमारे पास टाइप्स हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमिक रैंडम सैम्पलिंग और क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। जैसे कि नेम शो करता है, इसमें हर यूनिट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो सिलेक्ट हो सकता है। लेट्स सपोज मैंने अब 50 बंदे को सिलेक्ट करने, तो इसमें मेल फीमेल चिल्ड्रन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि कोई भी, मैं सिंपल रैंडम है ना, कि किसी का नाम भी आ सकता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं स्ट्रेटिफाइड। स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है नॉन ओवरलैपिंग, यानी जो एक दूसरे यानी रिपीटेटिव ना हो, ठीक है। तो रिपीटेटिव ना हो यानी स्ट्रेटा में हो, जैसे आप लेयर्स बोलते हैं कि लेयर्स में हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास क्या अच्छा तरीका होता है कि हम इसमें ग्रुप्स बना लेते हैं, ठीक है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4। उसके बाद हम रैंडम सैम्पलिंग कर लेते हैं कि ग्रुप 1 से भी लेते हैं, लकी ड्रा करके 2 से भी ले लेंगे, 3 से भी ले लेंगे। तो ये हमारे पास कौन सी सैम्पलिंग हो जाएगी, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। फिर आता है आपकी जो सिस्टेमिक रैंडम सैम्पलिंग है, इसमें हमारे पास सबसे पहली कंडीशन जो है, जितनी आपने लेने हैं यानी कि पॉपुलेशन आपके साइज, आपके पास कंप्लीट लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है। उसमें फिर आप एक रैंडम यूनिट सिलेक्ट करते हैं, या फिर आप वो एक फार्मूला मिलता है जिसमें फार्मूला होता है जिसे के इज इक्वल टू कैपिटल एन डिवाइडेड बाई एन। जो के है वो हमारे पास सैम्पलिंग इंटरवल होता है, बड़ा एन जो हमारे पास है पॉपुलेशन साइज होता है, और छोटा एन सैम्पल साइज है।
ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं ये बात करता हूँ कि मैंने ना मेरा जो सैम्पल साइज है वो 100 है, ठीक है, पॉपुलेशन साइज 100 है या 500 है या 1000। तो हम बात करते हैं कि मेरा जो पॉपुलेशन साइज है वो 100 है, उसमें से मेरा जो मैंने डिज़ायर है मेरा वो मैंने 20 बंदे लेने हैं। अब तो मैं क्या करूँगा, 100 डिवाइडेड बाई 20, उसके पहले जब उनको मैं डिवाइड करूँगा तो मेरा 5 निकलेगा। यानी कि मैं इस रैंडम सैम्पलिंग करने का ये अच्छा तरीका है कि मैं कंप्लीट लिस्ट होगी, पहले 5 को पाँचवा बंदा लूँगा, हर पाँचवा बंदा, ठीक है। तो इस तरह मेरी सिस्टेमिक रैंडम सैम्पलिंग हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, ठीक है। क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग में ये होता है कि आप इंटायर पॉपुलेशन को ग्रुप में डिवाइड कर देंगे, ठीक है, फिर आप उसमें से किसी भी एक क्लस्टर दो क्लस्टर को सिलेक्ट एज अ होल कर लेंगे, ठीक है। तो हमने पीछे क्या पढ़ा था, जो हमारे पास थी स्ट्रेटा वाली स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, उसमें हम क्या कर रहे थे, उसमें और क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग में ये डिफरेंस है कि जो वो सैम्पलिंग थी उसमें हम ये कर रहे थे, जो हमारे पास थी स्ट्रेटिफाइड, उसमें हम ग्रुप बना रहे थे, लेकिन हर ग्रुप में से बंदे हमने लेने थे। ये बात पॉइंट टू बी नोटेड है कि आपने हर ग्रुप में से बंदे लेने हैं। जो हमारे पास क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग है उसमें आपने ये करना है कि ग्रुप्स बनाने के बाद आपने पूरा का पूरा ग्रुप उठाना है, यानी क्लस्टर्स में उठाना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये आपके क्लियर हो गया होगा कि आपने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आपकी क्या होती है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि जो आपका प्रैक्टिकल वर्क है अबाउट रिसर्च, के रिसर्च टॉपिक सिलेक्शन आपने किस तरह करनी है, रिसर्च करने के क्या क्या मेथड्स हैं, और किस तरह आपने वो सारा प्रैक्टिकल वर्क करना है। इंशाल्लाह सब इजी होगा, परेशान ना हो। अल्लाह हाफिज़।